हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम आकाश सिंह, योर इंग्लिश टीचर। क्लास नाइन्थ सब्जेक्ट इंग्लिश फर्स्ट, और इंग्लिश फर्स्ट में चल रहा आपका सप्लीमेंट्री। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका मैं पहला चैप्टर आपको करा चुका हूँ। आज देखिए सेकंड चैप्टर होगा द एडवेंचर ऑफ टोटो, रिटन बाय रुस्किन बॉन्ड। ये जो चैप्टर है आपका सेकेंड, द एडवेंचर ऑफ टोटो, ये रुस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, देखिए इसका पहला लॉन्ग क्वेश्चन आप बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करना, क्योंकि ये 7 मार्क्स का होगा और 100 से 150 शब्दों का लिखना है, ठीक है? तो देखिए क्वेश्चन, व्हाई डज ग्रैंडफादर टेक टोटो टू सहारनपुर एंड हाउ? व्हाई डज द टिकट कलेक्टर इंसिस्ट ऑन कॉलिंग टोटो ए डॉग? दादाजी टोटो को सहारनपुर क्यों और कैसे ले गए? टिकट कलेक्टर ने टोटो को कुत्ता कहने की जिद क्यों की? तो देखिए आंसर देखेंगे। इंट्रोडक्शन, ग्रैंड मदर ऑलवेज फ्यूज्ड, व्हेन ग्रैंडफादर बॉट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल। व्हाई? ग्रैंडफादर हैड टू गो टू सहारनपुर टू कलेक्ट हिज पेंशन। ही डिसाइडेड टू टेक टोटो विद हिम टू कीप इट्स प्रेजेंस ए सीक्रेट फ्रॉम द ग्रैंडमदर। हाउ? ए बिग ब्लैक कैनवास किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो। सम स्ट्रा वॉज पुट एट इट्स बॉटम। इट वॉज टोटोज न्यू होम। व्हेन द बैग वॉज क्लोज्ड देर वॉज नो एस्केप फॉर टोटो। टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड थ्रू द ओपनिंग। द कैनवास वॉज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम टू बाइट हिज वे थ्रू। कंक्लूजन, व्हाइल ग्रैंडफादर वॉज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्नस्टिल, टोटो सडनली पॉक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग एंड गेव द टिकट कलेक्टर ए वाइड ग्रेन। ही इंसिस्टेड दैट माई ग्रैंडफादर वुड हैव टू पे फॉर द डॉग। अकॉर्डिंगली ही इंसिस्टेड दैट ए मंकी इज क्लासिफाइड एज ए डॉग। ग्रैंडफादर हैड टू पे ₹3 फॉर टोटो एज इफ इट वॉज ए डॉग। देखिए स्टूडेंट्स, अब इसकी हिंदी समझाएंगे हम आपको। तो पहला है जो इंट्रोडक्शन, यानी कि भूमिका। जब दादाजी किसी नए पक्षी या पशु को घर लाते थे तो दादी जी सदा झमेला खड़ा कर देती थी। रखने के लिए टोटो को अपने साथ ले जाने का निर्णय लिया। हाँ, झमेला खड़ा कर देती थी। अब देखिए नई जो नई हेडिंग है वो वाई क्यों। दादाजी को अपनी पेंशन लेने के लिए सहारनपुर जाना था। उन्होंने दादी जी से उसकी उपस्थिति को गुप्त रखने के लिए टोटो को अपने साथ ले जाने का निर्णय लिया। अब देखिए कैसे, हाउ। टोटो के लिए एक बड़ा काला कैनवास का किट बैग जुटाया गया। उसकी तली में कुछ भूसा रखा गया। वह टोटो का नया निवास था।
जब थैले को बंद कर दिया गया, टोटो बाहर नहीं निकल सकता था। टोटो खुली जगहों से अपना हाथ बाहर नहीं निकाल सकता था। कैनवास इतना मजबूत था कि टोटो उसे काट कर बाहर नहीं आ सकता था। निष्कर्ष: जब दादाजी रेलवे टर्न स्टाइल पर टिकट दे रहे थे, तो टोटो ने अचानक ही थैले के बाहर अपना सिर निकाला और टिकट कलेक्टर की ओर विस्तृत मुस्कान फेंकी। उसने जिद की कि नियम अनुसार मेरे दादाजी को कुत्ते का किराया देना पड़ेगा। उसने जिद की कि बंदर को कुत्ते के वर्ग में रखा जाता है। दादाजी को टोटो को कुत्ते के वर्ग में आने पर उसके लिए 3 रुपये देने पड़े। तो डियर स्टूडेंट, ये इसका लॉन्ग क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया। इसे अपनी नोटबुक में नोट करें और लर्न करें। ओके, गुड बाय, टेक केयर।